Good morning, students. How are you? I hope you all are fine and well. Today we will discuss your new chapter. Your new chapter name is Parts of a Plant and Their Uses. Chapter is 20 and their name is Parts of a Plant and Their Uses. Students, you know parts of plant. How many parts of plant? How parts of plant means how many parts in their plants? One plant have how many parts? Five. 1, 2, 3, 4. Mainly 1, 2, 3, 4 and 5 parts. First is flower, leaf, fruits, stem and roots. One part is how many? One plant is how many parts? Five parts mainly. First one is flower, leaf, fruits, stem and roots. हम अगर एक plant को देखेंगे तो उसके कितने parts होती है? Mainly five होती है. तो जैसे हम देखें कि इसमें जैसे one picture में बनाई हो यहाँ पे जैसे कि flower है, लीफ है, फ्रूट्स हैं, स्टेम है एंड रूट्स है. उसके साथ साथ हम जैसे फ्लावर से पहले क्या होते हैं? बड होती है. आज हम मेनली उसका टॉप सब टॉपिक देखने के लिए जा रहे हैं रूट्स के बारे में. ठीक है, मेनली जो होता है प्लांट्स का रूट होती है. अगर रूट मजबूत है तो प्लांट क्या होगी? मजबूत रहेगी और बढ़ेगी और उसमें सारे कुछ चीज़ें आएगी. लेकिन अगर प्लांट्स मजबूत नहीं है तो फिर उसमें कुछ भी नहीं है. वो क्या है, बहुत कम दिनों में है वो क्या हो जाएगी? वो मर जाएगी. तो इसलिए हम आज देखेंगे रूट्स के बारे में. ओके, रूट्स मीन्स जड़ होती है और उसके बारे में हम देखेंगे. आपकी जो बुक्स इविश बुक की पेज नंबर 96, चैप्टर नंबर 20, पार्ट्स ऑफ ए प्लांट एंड देयर यूजेस. प्लांट्स अनलाइक द मेजोरिटी ऑफ एनिमल रिमेन फिक्स्ड एट वन प्लेस. जैसे हम देखते हैं कि एनिमल्स से भी ज़्यादा क्या है इस वर्ल्ड में, प्लांट्स का मेजोरिटी ज़्यादा है, सबसे बड़ी संख्या में होते हैं वो, और ये एनिमल से अलग होते हैं और एक ही स्थान में ये क्या है फिक्स्ड होकर रह जाते हैं, क्योंकि ये लिविंग थिंग्स है लेकिन ये क्या है मूव नहीं कर सकते. ठीक है, ये सांस लेते हैं, है ना, फ्रूट्स आती है, फ्लावर्स सारे कुछ आती है और हमें बहुत सारी चीज़ भी वो देते हैं. उनका क्या है, ये लिविंग थिंग्स है. प्लांट्स एक लिविंग थिंग्स है. बींग्स एट वन विथ द एनवायरमेंट दे ग्रो इन. तो ये क्या होते हैं, इनका जो अस्तित्व हमारे वातावरण में डे बाई डे क्या है बढ़ती जाती है, इनके अस्तित्व होती है. रूट्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर प्लांट्स. रूट्स जो होते हैं जो इम्पोर्टेंट रोल होती है प्लांट की. ओके, मैं जैसे बताई थी कि रूट्स ही है मेन जो होती है प्लांट्स की, जो मेन पार्ट होती है रूट्स. अगर रूट अगर क्या है मजबूत नहीं होती है तो प्लांट्स बहुत कम दिनों में वो क्या हो जाता है, मर जाता है. तो इसीलिए हम देखेंगे रूट्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ प्लांट्स. दे सर्व आज से मीडियम ऑफ अटैचमेंट एंकरिंग द प्लांट टू द ग्राउंड एंड ऑल्सो आज ए मीडियम ऑफ अब्सॉर्प्शन एंड ट्रांसपोरेशन ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व सॉल्ट. तो शो यहाँ पे क्या है, वो हमें सर्व करती है बहुत सारी चीज़, जैसे कि भोजन पदार्थ वो हमें सर्व करती है. प्लांट से हमें क्या क्या मिलती है, प्लांट से हमें फ्रूट्स मिलती है, प्लांट से हमें क्या है उसका जो मेडिसिन वगैरह हम यूज़ करते हैं हम. ठीक है, तो प्लांट्स फ्लावर से हमें क्या है सेंट वगैरह बनाते हैं. तो प्लांट्स हमें बहुत सारी चीज़ हमें प्लांट्स हमें देती है. तो इसके जो माध्यम है और वो हमारे साथ क्या है जुड़ा हुआ है वो, क्योंकि विदाउट प्लांट्स में चाहे एनिमल्स हो चाहे ह्यूमन बींग हो वो जी नहीं सके, क्योंकि वहाँ से ही वो डिपेंड करता है कि प्लांट्स हमें प्लांट्स से कुछ ना कुछ मिलता है. एंकरिंग द प्लांट्स टू द ग्राउंड एंड ऑल्सो एज ए मीडियम ऑफ ऑब्जर्वेशन.
तो ये क्या होता है, मजबूती अवशोषण करता है। क्या, किसको अवशोषण करता है? वाटर को अवशोषण करता है, ठीक है। और फिर ये बहुत मजबूती से ग्राउंड में ये क्या होता है, मजबूती से पकड़ कर इसका रूट्स रहती हैं। ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व सॉल्ट, तो ये क्या करता है, ट्रांसपिरेशन यानी कि भेजता है, है ना, वाटर सारे क्या है, रूट से ऑब्जर्वेशन हो, ऑब्जर्वेशन होती है और फिर अवशोषण होने के बाद ये क्या करते हैं, पूरे वाटर क्या करता है, वो प्लांट्स सारे पर्ट्स में ये भेजती हैं और डिसॉल्व सॉल्ट आल्सो, यानी कि घुल जाती है सॉल्ट में। रूट्स के बारे में हम देखेंगे। रूट्स एंकर इन द सॉइल, प्लांट्स इन द सॉइल। रूट्स जो होता है, बहुत प्लांट्स का मजबूती होती है रूट्स में ही होती है। और ये क्या है, जो मिट्टी होती है नीचे, सॉइल होती है यहाँ पे, है ना, सॉइल होती है यहाँ पे, इसको ये पकड़कर रूट रखती है, ठीक है। वाटर एंड मिनरल्स आर टेकन फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट्स, तो वाटर और मिनरल्स हमें कहाँ से मिलता है, है ना, टेकन फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट्स, तो रूट्स के थ्रू ही क्या है, उसको खनिज पदार्थ और वाटर क्या होता है, पूरे प्लांट्स को मिलता है। क्योंकि हम यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे वाटर डालते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम वाटर डालते हैं, तो क्या होता है, ये वाटर क्या होता है, पूरे इसमें क्या है, ये अवशोषण करती है, ठीक है। और उसके बाद खनिज पदार्थ जो मिनरल्स होती है ये भी मिलती है प्लांट्स को, ये यहाँ से ही वो लेती है। मैनी प्लांट्स सच एज कैरेट स्टोर फूड इन द रूट्स, जैसे कि हम जानते हैं कैरेट है, है ना, खाते हैं हम और सबको पसंद होती है कैरेट खाने के लिए। और ये कैरेट्स क्या करता है, स्टोर फूड स्टोर करती है किस में, रूट्स में ही वो करती है, ठीक है। अदर एडिबल रूट्स आर रेडिस, टर्निप और फिर पर्शली रूट्स एंड टैरो, यानी कि अरबी। तो जैसे कि एडमन यानी कि खाने की जो योग्यों या खाने वाली जो पदार्थ है, खाद्य है, है ना, जैसे हम खाते हैं रूट्स, किस रेडिस को खाते हैं हम, है ना, मूली जो बहुत पसंद होता है, और फिर टर्निप को खाते हैं, है ना, उसके बाद है पर्सली। पसली एक ऐसा है कि पुदीना की जैसे ही, एक प्रकार का पुदीने की जैसे ही पौधा है, और जिस जिसमें क्या होता है कि जो हम यूज करते हैं खाना खाने में, और वो भोजन को अधिक स्वादिष्ट वो बना देता है। जैसे कि पुदीने को हम डालते हैं, इसको 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 भी हम डालते हैं, और उसके साथ साथ अरबी, अरबी भी क्या होती है, अंडरग्राउंड में ही होती है, ठीक है। फंक्शंस ऑफ रूट्स आर, तो अभी हम देखेंगे कि इसका फंक्शंस क्या है रूट्स के। टू ऑब्जर्व टू और टेक इन वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द ग्राउंड, तो ये क्या करता है, ग्राउंड से, यानी कि यहाँ से, ये है ग्राउंड, यहाँ से क्या करती है, वाटर वगैरह के अवशोषण करती है वो, ठीक है। और मिनरल्स और वाटर्स के अवशोषण वो कहाँ से करती है, ग्राउंड से ही करती है, और कौन करता है, रूट ही करता है। टू होल्ड द प्लांट्स एट वन प्लेस, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं होती है, एक जगह में उसको जकड़ कर वो रखती है रूट्स, ठीक है, एक ही जगह में होल्ड करके, यानी कि पूरा होल्ड करके जकड़ के उसको रखती है। टू स्टोर फूड फॉर द प्लांट, और फिर जो फूड स्टोर कहाँ पे होती है, रूट में होती है। प्लांट्स की जो भी फूड स्टोर कहाँ पे करती है प्लांट, रूट में ही वो करती है। रूट्स प्रिवेंट सॉइल एरोशन बाय होल्डिंग द सॉइल टुगेदर, तो सारे सॉइल को वो होल्डिंग करके रखती है। क्षरण जो होती है, यानी कि वो जैसे मिट्टी बह जाती है, पानी वगैरह, जैसे हम जानते हैं कि एरोशन ऐसे होती है कि बाढ़ वगैरह आती है तो वो बह जाती है ना, उस चीज़ों को वो रोकती है, कौन, रूट्स रोकती है, ठीक है। दैट इज why it is not all that easy to uproot a plant, तो इसीलिए क्या होता है, ये उखड़ के नहीं गिरती है, और फिर ये क्या है, डे बाय डे क्या है, ग्रो होती जाती है।
उसके बाद हम देखेंगे रूट्स का, जो एक रूट्स के बारे में हम देखेंगे वो है एरियल, एरियल रूट्स। एरियल रूट्स आर नॉट ऑलवेज अंडरग्राउंड, रूट्स आर नॉट ऑलवेज अंडरग्राउंड, यानी कि ये हर समय क्या है अंडरग्राउंड में नहीं रहते। व्हेन दे रिमेन हैंगिंग इन द एयर दे आर कॉल्ड एरियल रूट्स, यानी कि वो हवा में ही रहते हैं वो ऊपर ऊपर, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं आकाशीय रूट्स हम बोलते हैं। दे आर फाउंड इन कॉर्न यानी कि मेज है ना, एंड बनियन ट्री, बनियन ट्रीज, वेयर दे एवेंचुअली ग्रो इनफ टू असिस्ट इज सपोर्टिंग द प्लांट्स ट्री। जैसे कि बनियन ट्री को आप देखे होंगे, कॉर्न की देखेंगे, उसका रूट्स कैसा होता है, वो सारे हैंगिंग होके वो रहते हैं और फिर ये क्या है सपोर्ट करते, सहायता करता है ट्रीज और प्लांट्स को, ठीक है, वो बाहर ही ऐसे हैंगिंग होके रहते हैं। तो बच्चों आज हम देखें आपकी जो ईविस बुक की चैप्टर 20 की पार्ट्स ऑफ प्लांट और उसका सब टॉपिक हम देखें रूट्स के बारे में। जैसे कि रूट्स मेन होती है किसकी, प्लांट्स की मेन होती है, और वाटर और फिर मिनरल्स ये सारे अवशोषण करती है रूट्स, और फिर पूरे प्लांट्स को ये क्या करती है ट्रांसपोर्टेशन वो करती है। तो अगर रूट मजबूत नहीं है तो प्लांट्स भी मजबूत नहीं है, रूट्स मजबूत है तो प्लांट डे बाई डे क्या है ग्रो करेगी और हमें वहाँ से जो भी चीज़ें हैं फ्रूट्स वगैरह हमें मिलेगी। इसीलिए बहुत ज़रूरी है रूट्स का क्या है यानी कि सॉइल के साथ जकड़ के रखना, होल्ड करके रखना है सॉइल को प्लांट्स, ठीक है, तो तभी क्या होगी वो बढ़ पाएगी। आपके सराउंडिंग में बहुत सारे प्लांट्स हैं, आप लोग देखे होंगे बहुत सारे रोज़ की प्लांट है, जस्मिन की होती है, मिंट की होती है, तुलसी की होती है, आपके घर पे बहुत सारे प्लांट्स हैं और आप जब भी उसको लगाते हो तो उसका ध्यान भी केयर भी आप करते हो और उसके बाद उसका फल आपको मिलता है। तो इसीलिए हमें प्लांट्स को क्या है बहुत क्या है केयर करना चाहिए ताकि हमें उससे कुछ मिल सके। तो बच्चों आज के लिए इतना है और कल हम जो ये टुमारो हम देखेंगे फ्लावर्स के बारे में, जैसे कि प्लांट्स में फ्लावर भी होती है और फ्लावर सारे पसंद करते हैं, तो कल हम देखेंगे फ्लावर्स के बारे में, आज रूट्स के बारे में हम देखें। और आप लोग पेज नंबर 96 को रीड करना है और उसके साथ साथ आपको वीडियो वॉच करना है तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगी। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।